सो नमस्ते मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का पीडीएम लव मीणा यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो मैं हूं इस चैनल का ओट और तुम सबका दोस्त लव कुश मीणा। तो गाइज, आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक किसान के ऊपर बनाई है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। माता की जय, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शुक्त किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्त किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। राम राम। साथियों, आज इस किसान चौपाल में हम सब भाई 40 गांवों से यहाँ पर हनुमान जी महाराज के प्रांगण में उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक आभार। हमारे बीच में पधारे भाई साहब पवन जी यादव, सौभाग जी मोहला प्रभारी, विक्रम जी चौधरी अध्यक्ष महोदय, रामचंद्र जी संयोजक, संघर्ष समिति के विषम पितामह राम गोपाल जी बरवा, मेरे साथ पधारे पटेल मोडोलाल जी, सुरेंद्र जी योगी वार्ड पंच, गोलू जी मेहरा और सभी साथी। के बारे में किसानों के हित के जो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर किसान संगठन पिछले काफी सालों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से किसानों की हक की लड़ाई लोकतंत्र के माध्यम से, शांति से, संयम से, राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, इन राजनीतिक दलों से, किसान संगठन अलग अलग माध्यम से, कोई किस संगठन के माध्यम से, कोई किस संगठन के माध्यम से, किसानों के की लड़ाई लड़ते आ रहे। लेकिन इन सरकारों के आज दिन तक भी जू नहीं रहेंगी है। सरकारों ने किसान की बात को महत्व नहीं दिया है। अभी बहुत सी बातें आप लोगों को भाई साहब रामचंद्र जी ने बताई है। साथियों, बहुत कुछ आप लोगों को भाई साहब रामचंद्र जी ने बता दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। आम आदमी की जरूरत होती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महंगाई से हर आदमी की कमर टूटी हुई है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। महंगाई से ही बेरोजगारी का मुद्दा पैदा होता है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और तीसरा मुद्दा है MSP, समर्थन मूल्य पर किसान की फसल बिकनी चाहिए। इन तीन मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इन सब का कारण है साथियों, जनसंख्या वृद्धि। आज वर्तमान समय में देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। वर्तमान में चीन ने जनसंख्या का टोस कानून बनाया है। चीन में वन चाइल्ड वन पॉलिसी, एक फैमिली के एक बच्चा। आज चीन दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है वर्तमान टाइम पे, क्योंकि उसने जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया है। हमारे देश में अभी तक इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की पार्टियों ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने वोटों के लालच से, वोटों के स्वार्थ के खातिर अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, जिसकी वजह से साथियों भूख, भय, महंगाई, बेरोजगारी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सरकार को, यहाँ के राजनीतिक दलों को सोचना होगा। अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। दोनों ही पार्टियों की सरकारों से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की संसद में पास होना चाहिए। चीन में वन चाइल्ड वन पॉलिसी है, तो इंडिया में टू चाइल्ड वन पॉलिसी, एक फैमिली दो बच्चे, ये कानून बनना चाहिए। अगर किसी के तीसरी संतान पैदा होती है तो उसको सभी सुविधाओं से वंचित करे, और उस रोजगारी इससे मुकाबला करने का हम लोगों को मौका मिलेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ेगी, एक बाप का 20 बीघा जमीन, दो बेटा हो गया 10-10 होगी, फिर वहां कभी दो दो हो गया 5-5 बीघा होगी। जमीन का रबड़ जगह जी पलगी, जमीन कोई रबड़ को है ना,
जब पलगी सरकार के ताई बहुत बड़ो मुद्दो छ सरकार के ताई और किसाना के ताई भी ध्यान देनी चाहिए का बहुत बड़ो मुद्दो छ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो सबके लिए सम्मान कानून होना चाहिए और समर्थन मूल्य निश्चित रूप से सरकार ने वादा किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उन्होंने भी वादा किया पहले कांग्रेस भी वादा करती आ रही है लेकिन कब तक वादा 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 कब तक चूतिया बनाते रहोगे आप इस देश के किसानों को इस देश के मजदूरों को कब तक चौधू बनाते रहोगे समर्थन मूल्य पर फसल बिकनी चाहिए किसान की ऐसा कानून बने अगर कोई व्यापारी समर्थन मूल्य से नीचे फसल को खरीदे चाहे किसान मंडी में बेचे चाहे किसान किसी व्यापारी के बेचे ऐसी व्यवस्था बने कि किसान की फसल कहीं भी बिक सके समर्थन मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए अब अभी खरीदेंगे जो 10 साल न बिको बात तो एक ही जाए में तो समर्थन मूल्य चाहिए नंबर वन पॉइंट तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नंबर दो समर्थन मूल्य पर फसल का बिकना और नंबर तीन कर्ज माफी बड़े बड़े उद्योगपतियों की अड़ानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हो बड़े बड़े हजारों करोड़ों में लाखों हजारों करोड़ों में कर्ज माफ हो रहा है और न जाने कितनी बार हुआ है लेकिन यह देश का किसान जो इस देश का अन्नदाता है जो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पालती है उसी प्रकार फसल को पैदा कर कर ये किसान पैदा करता है और 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है इस देश का भरता है जो तो भरता है विदेशों में भी यहाँ का अनाज जा रहा है वहाँ के लोगों का भी पेट भरता है और 184 करोड़ योनियों में जितने जीव जंतु घूम रहे चाहे वो चड़ी हो कागला हो कुत्ता हो बल्ली हो गाय हो भैंस हो किसी भी प्रकार का जानवर हो हर जानवर किसान के ऊपर है पैदा नहीं करेगा तो कोई किसी का भी पेट नहीं भरेगा इसलिए अशोक गहलोत सरकार ने 2-2 लाख की घोषणा की थी लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में ही कर्जा माफ हुआ है दूसरे बैंकों में नहीं हुआ हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं ये एक राज्य सरकार के बस की बात नहीं है संपूर्ण कर्ज माफ करना ये साथियों आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं इस देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ 3 काले कानून केंद्र की सरकार लेकर आई किसानों की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापिस लिए अगर किसानों ने एकजुटता से देश के अंदर ताकत दिखाई तो निश्चित रूप से समर्थन मूल्य पर आपका फसल का तुला होगा समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा और बैंकों का संपूर्ण कर्ज माफ एक बार किसान की संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए प्रत्येक किसान के ऊपर जितना भी कर्जा हो चाहे वो किसी भी प्रकार के बैंक का हो चाहे वो SBI का हो चाहे सेंट्रल बैंक का हो या बड़ौदा का हो किसी भी प्रकार का बैंक हो एक बार संपूर्ण कर्ज माफ करके उसको ODF करके फिर दोबारा लोन दे नहीं मांगेगा किसान भीख में नहीं मांग रहे हमारा अधिकार बनता है जितना आप लोगों ने कर्मचारियों के लिए जितना आप लोगों ने नेताओं के लिए अभी बहुत ही खराब सिस्टम है चुनाव जीते उसकी पेंशन अलग फिर दोबारा चुनाव जीत गयो आदमी उसकी पेंशन अलग एक बार का 50,000 नाला दूसरा का नाला 5-5 बार चुनाव जीत रहे अलग है पेंशन अरे भाई ये कैसा नियम है ये कौन सा कानून है एक प्रकार आप देश की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए 4 साल का कार्यकाल कर रहे हो और उनको पेंशन भी नहीं है उनके परिवार की कोई गारंटी नहीं है ये भी गारंटी नहीं है कि 23 साल की उम्र होने के बाद में वो बच्चा नौकरी छोड़ के घर पे आएगा बेरोजगार रहेगा उसकी शादी भी होगी या नहीं होगी ये भी गारंटी नहीं है और एक प्रकार आप देश के किसान को कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हो तो सरकार से मांग करते हैं कि बिल्कुल किसानों की समस्या को गंभीरता से समझे और ये जो नेताओं के पेंशन के ऊपर पेंशन एक विधायक एक सांसद की पेंशन एक बार ही रहनी चाहिए चाहे वो कितनी भी बार जीते पेंशन एक बार विधायक बना तो एक बार ही अब आप देख लो उदाहरण के लिए जो भी विधायक अपन तो अपने क्या ले ले यहाँ प्रमोद भाई आए 3 बार जीत गया अब अलग अलग 3 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग कार्यकाल की अलग अलग पेंशन कितनी राशि आम जनता की किसका है पैसा गरीबों इस देश के गरीबों किसानों और साथियों यहाँ बैठे हुए किसान भाई तो सुन ही रहे
जो किसान भाई लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, 20 साल मुझे हो गए राजनीति से जुड़े हुए। निश्चित रूप से जो भी लोग राजनीति में आते हैं, हमने देखा हमारी इन दो आंखों को फाड़ के कि जो भी आते हैं वो पैसे कमाने के लिए आते हैं। कोई रेत निकालता है, कोई भाटा निकालता है, कोई खान लेता है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलता है, कोई बड़ी कंपनी खोलता है, पैसे कमाने के अलावा उस व्यक्ति को कुछ नहीं सोचता है। वो भूल जाता है कि जनता को पीएम आवास चाहिए, जनता को नरेगा चाहिए, जनता को पेंशन चाहिए। फला आदमी को पेंशन नहीं मिल रही, फला किसान को मुआवजा नहीं मिला, फला किसान को बीमा नहीं मिला, फला मजदूर को नरेगा में नाम नहीं आया। कोई मतलब नहीं है इन नेताओं के। ये सब आप लोगों को एक प्रकार से ये समझ रहे कि जनता तो पागल है, इसके सामने तो भाषण दे दो और बड़े बड़ी बातें कर लो, हिंदुत्व की बात कर लो और जय श्री राम बोल दो या ऐसे बोल कर वोट ले लो या कुछ भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा के वोट ले लो। साथियों, चौपाल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहेंगे। गीता और कुरान एक ही है, दोनों की एक ही विचारधारा है, दोनों एक ही है और इंसान को भाईचारे से, प्रेम से और सबको साथ लेकर जीने के लिए प्रेरणा देती है गीता। उसके लिए मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। उसके लिए हिंदू धर्म में भगवान राम ने धरती पर जन्म लेकर इंसान के रूप में सभी संपूर्ण मानव जाति के सामने अपने जीवन को जीकर अपना चरित्र पिता की आज्ञा के खातिर, जिस धर्म के खातिर निज राज गया, पितृदेवी का मरण हुआ, और जिस धर्म के खातिर पीर भरत सा भाई छूटा, और सीता नारी का हरण हुआ, और जिस धर्म के खातिर यदि लक्ष्मण भी चला जाए तो आवाज यही होगी मेरी, पर धर्म न जाने पाएगा। साथियों, ये बात भगवान राम ने लिए ली। बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान भाइयों से निवेदन छ, निश्चित रूप से अगर एकजुट रिया कैसे भी संगठन का माध्यम से रहो, किसी भी पार्टी में आप रहो, ये आपका व्यक्तिगत विचार छ, आप किसी भी पार्टी में रह सको तो जी आपको विचार हो, लेकिन किसान संगठन में रिया तो निश्चित रूप से आप लोगों की जीत होगी और आबाद उस समय किसान और मजदूरों को रहो कोई देश में। किसान एकता जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, पवन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। राम साहब, आज कुल्ला कार्यक्रम आपनो यही समापन हो छे। मु आपना साथी जो संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष राम लखन जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दे छु, तो यो कार्यक्रम यहाँ आयोजित करो और आप सभी साथियों ने मेरे को सहयोग करो, आसपास को जो ग्रामीण टीम से चाड़वा गाँव की पूरी टीम ने युवा साथियों ने मुँह बिल्कुल तय दिल से होता को आभार व्यक्त करो, तो आप लोगों ने सबने धन्यवाद दे चुका, आप लोगों ने मेरे को साथ करो, साथ दिया, आप लोग सभी आप पधारिया